सत श्रीकाल जी, पंजाब टुडे दे प्राइम टाइम च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल पूजा वर्मा ते सब तो पहला रुख करदे आं हेडलाइंस दा। नवजोत सिंह सिद्धू दे शानदार स्वागत दीआं तैयारियां लुधियाना च हुई शुरू, लगाए गए स्वागती होर्डिंग्स जिस च पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत दा राखा सिद्धू नूं दस्सिआ। चंडीगढ़ कोर्ट कॉम्पलैक्स च मिलिआ शक्की बैग, टिफिन ते बोतल मिली, जांच लई फौज बुलाई, हाई कोर्ट च वी अलर्ट। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया नूं भेजा जेल, श्री मुक्तसर साहिब च 3 लाख दी फिरौती दा मामला। फिरोजपुर दे विच जेल च लुटखो करन वाले गिरोह दे 5 लोकां नूं कीता गिरफ्तार। 26 जनवरी दे दिहाड़े ते भगवंत मान दी आमद तो पहला बठिंडा विच अधी दर्जन थावां उत्ते लिखे गए खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे SFJ ने CM मान नूं दित्ती धमकी। यूनाइटेड अकाली दल वल्लों पंजाब दे लोकां नूं 26 जनवरी दे गणतंत्र दिवस दे प्रोग्रामां तों बायकॉट करन दा दित्ता सद्दा। भगवंत मान केजरीवाल दा क्लर्क बनकर कर रहे ने काम कहा। भाजपा ने 2024 लोकसभा चोणां दी तैयारियां खिंचीआं। पंजाब दे 3 लोकसभा हलकियां दे इंचार्ज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे बठिंडा। मुख्यमंत्री ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज दा कीता दौरा, देश भर विच निवेश लई पंजाब नूं सब तो पसंदीदा सूबे वजो दर्शाया। स्टॉक एक्सचेंज विच मार्केट खुलन दा संकेत, घंटी बजाउण दी रस्म निभाई। हुण खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे ग्रैंड वेलकम दी तैयारी शुरू हो गई है। लुधियाना दी सड़कां ते पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे साबका प्रधान सिद्धू दे समर्थकां वल्लों उन्हां दे स्वागत बोर्ड लगाए गए ने। इन्हां बोर्ड्स दे विच लिखिआ है, पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत दा राखा नवजोत सिद्धू। बोर्ड नवजोत सिंह सिद्धू दे मीडिया सलाहकार सुरेंद्र डल्ला दी तस्वीर दे नाल लुधियाना दे विच लगाए गए ने। पंजाब विच नवजोत सिंह सिद्धू दे ग्रैंड वेलकम दी तैयारी शुरू हो गई है। लुधियाना दी सड़कां ते पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे साबका प्रधान सिद्धू दे समर्थकां वल्लों उन्हां दे स्वागत बोर्ड लगा दित्ते गए ने। इन्हां बोर्ड से लिखिआ है, पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत दा राखा नवजोत सिद्धू। बोर्ड नवजोत सिंह सिद्धू दे मीडिया सलाहकार सुरेंद्र डल्ला दी तस्वीरां दे नाल लुधियाना दे विच लगाए गए ने। सिद्धू दी रिहाई ते फिलहाल सस्पेंस बनिआ होइआ है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल विच बंद है, लेकिन उन्हां दी रिहाई होण दी चर्चा है। उत्थे उन्हां दी रिहाई ते हाले सस्पेंस भी बनिआ। इस बीच सिद्धू दे ग्रैंड वेलकम दी तैयारी उन्हां दे समर्थक कर रहे ने। दरअसल इस साल जेल विभाग ने गणतंत्र दिवस दे मौके 52 कैदियां नूं रिहा करना है, जिन्हां दी लिस्ट उन्हां ने पंजाब सरकार नूं भेजी है। नियमां दे मुताबिक भेजी गई लिस्ट नूं मंत्रिमंडल वल्लों पास करके राज्यपाल नूं भेजा जांदा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 फरवरी नूं बुलाई सी, 26 जनवरी तों पहला कैबिनेट दी बैठक नहीं होवेगी, इस कारण जेल विभाग वल्लों भेजी गई सूची विच अटक गई है। सूची विच सिद्धू दा नाम होने की चर्चा है। भारत जोड़ो यात्रा विच शामिल होने दे लई भी उन्हां नूं निमंत्रण मिलिया होया है। राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा नूं लेके भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं इनवाइट किया गया। फिलहाल सिद्धू दा परिवार इस यात्रा विच शामिल होया सी। जेकर सिद्धू 26 जनवरी नूं रिहा होंदे हैं ते ओह इस यात्रा दे आखरी दिन राहुल गांधी तों जरूर मिलणगे। देखो, असीं सारे आसवंद आ, आपां सारे इस गल तों आसवंद आ कि 26 जनवरी नूं 75 साल जिहड़ी साडी आजादी दा अमृत महोत्सव चल रहा है, उहदे तहत साढ़े पूरे देश च भारत सरकार की योजना, बहुत सारे साढ़े नागरिक ने जिहड़े जेलां च ने जिन्हां दीआं मामूली सजावां रह गईआं उहनां नूं रिलीज़ किया जाणा। असीं आसवंद आ, असीं अरदास भी करदे आ रब अगे कि सारे नागरिक ने जिहड़े उहनां नूं रिहाई मिले, ते असीं इह वी चाहवांगे कि नवजोत सिंह सिद्धू जी भी उस दिन रिहा होण। असीं पूरे आसवंद आ, इस करके जिवें सारा पंजाब दे विच जिहड़े आम लोग ने उह वी चाहुंदे ने कि सारे लोग अपने अपने घरां दे विच आउण, सो असीं भी खुश हाँ। अगर रिहाई हो जाती है तो होर खुशी है दुगनी हो जाएगी। चंडीगढ़ के जिला कोर्ट के बम की सूचना तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक लैटर मिला जिस विच कहा गया कि चंडीगढ़ के जुडिशियल कॉम्प्लैक्स के बम रखा गया। यह बम एक गड्डे विच है जोड़ा कि 1 बजे फट जाएगा। करीब 3 घंटे सर्च हुई। इस बीच कोर्ट कॉम्पलैक्स में एक शक्की बैग मिला जिस विच एक टिफिन ते एक बोतल मिली है। इसकी जांच के लिए चंडी मंदिर तो आर्मी की टीम नूं बुलाया गया है। चंडीगढ़ के जिला कोर्ट में बम की सूचना तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक लैटर मिला जिस विच कहा गया कि चंडीगढ़ के जुडिशियल कॉम्प्लैक्स में बम रखा गया है। यह बम एक गड्डी विच है जो 1 बजे फट जाएगा। करीब 3 घंटे सर्च शुरू किया गया। इस बीच कोर्ट कॉम्प्लैक्स में संगीत बैग मिला जिस विच टिफिन अते एक बोतल है। इसकी जांच के लिए चंडी मंदिर तो आर्मी की टीम बुलाया गया। भारी पुलिस वाल मौके पर पहुंचा, पूरे कॉम्प्लैक्स खाली कर सील कर दिया गया। उत्थे वकीलों भी बाहर रहने के लिए कहा गया। इस तो बाद ऑपरेशन सैल के कमांडो, डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजेबल टीम और रिजर्व फोर्स कोर्ट में पहुंची। सेक्टर 43 में जिथे पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलिया, उस तो थोड़ी दूर से चंडीगढ़ का बस स्टैंड है, उत्थे पुलिस तलाशी अभियान उत्थे चलाई गई है। SSP मनीषा चौधरी ने दसिया कि चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम दे विच जानकारी मिली कि जिला अदालत अते बस स्टैंड विच बम हो सकता है। इस नूं लैके 26 जनवरी नूं लैके पुलिस दी चैकिंग अभियान दे तहत जिला अदालत विच पुलिस टीमां भेजियां गईआं जिस विच ऑपरेशन सैल अते बम डिटेक्शन टीमां शामिल सीगी। अदालत
परिसर नूं तुरंत खाली करवाया गया। इस तों बाद पूरे कैंपस विच सर्च ऑपरेशन चलाया गया। SSP ने दस्सिया कि जिला अदालत विच सर्च दे दौरान एक कैरी बैग विच टिफिन अते वाटर बॉटल मिली है। इस नूं बम डिटेक्शन टीम तों चैक करवाया गया। उत्थे पंजाब तों भी बम डिटेक्शन टीम इत्थे चैकिंग दे लई पहुंची है, जिस विच प्राइमरी जांच विच कुछ संदिग्ध नहीं मिलिया। हालांकि इस नूं सुनिश्चित करन दे लई चंडी मंदिर तों बम डिस्पोजल टीम नूं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस नूं हरियाणा पुलिस दे कंट्रोल रूम तों कॉल आई सी, जिस तों बाद जिला अदालत समेत हाई कोर्ट अते बस स्टैंड ते भी जांच की जा रही है। चंडीगढ़ जिला अदालत तों अलावा पंचकूला अदालत विच भी इस प्रकार की धमकी आई सी। उत्थे भी वकीलों अते स्टाफ अते होर लोगों नूं बाहर निकाला गया, सर्च की गई। दूजे पासे पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच भी पुलिस वल्लों सिक्योरिटी वधा दी गई थी। उत्थे पुलिस एहतियात बरतन अते किसी भी संदिग्ध चीज़ दे मिलन ते सूचित करन दे लई कह रही है। चंडीगढ़ जिला अदालत बार एसोसीएशन दे प्रधान शंकर गुप्ता ने कहा कि उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे पुलिस की कॉल आई, जिस विच जिला अदालत विच बम होने की सूचना दी गई सी। कोर्ट नूं खाली करवाने लई कहा गया। शंकर गुप्ता के मुताबिक पंचकूला कोर्ट अते हाई कोर्ट दे विच इस तरीके की धमकी की सूचना आई सी। कोर्ट कॉम्पलैक्स विच अचानक पुलिस नूं देख के पहले मॉक ड्रिल समझा गया। हालांकि जब वकीलों ने पुलिस अफसरों तों गल की तो पता लग्या कि यह बम होने तों बारे एक लैटर मिलिया, जिस तों बाद पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। चंडीगढ़ विच बम की सूचना नूं लैके पुलिस कई एंगल तों जांच कर रही है। इस विच कोई साजिश सी या फिर शरारत, इस नूं लैके पुलिस की स्पैशल टीमां लैटर की जांच विच जुट गई है। दस दिए कि इस तों पहला भी पिछले साल अप्रैल विच चंडीगढ़ बुढ़ैल जेल की दीवार दे कोल RDX मिला सीगा, जिस विच जेल की सुरक्षा ते सवाल खड़े कर दिते सी। इस RDX तों डिफ्यूज करन दे लई पहला चंडी मंदिर तों आर्मी की बम डिस्पोजेबल टीम नूं बुलाई गई सी। उस तों बाद मानेसर तों NSG की टीम अगले दिन पहुंची। काफ़ी देर बाद रोबोट की सहायता के नाल डिफ्यूज किया गया। जांच तों बाद 28 अप्रैल नूं यह मोबाइल फोन अते खोड डेटोनेटर मिलिया सी। पुलिस नूं 23 अप्रैल नूं जेल की दीवार के कोल टिफिन डेटोनेटर अते जलदा होया कोडेक्स वायर मिलिया सीगा। मौके ते काले रंग का बैग भी मिलिया सी। इस विच एक डेटोनेटर पाकिस्तानी उर्दू अखबार विच लिपटा होया सी। एक छोटा पॉलीपैक सीगा, जिस विच कुछ कीलां अते खालिस्तान एक्शन फोर्स दे प्रिंटआउट सीगे। मौके तो कुछ डंप डाटा इकट्ठा किया गया सी। तो हमने सेशन जज को बोला, सेशन जज के साथ ही सारी टीम और हमारे एडवोकेट कोर्ट कॉम्प्लेक्स को खाली करके बाहर गए। नहीं, हमें नहीं बोला गया, हमें पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि हमारे को न्यूज आई है, पुलिस के पास न्यूज आई है, हमारे पास। तो क्या बोला पुलिस को? पुलिस ने हमें बताया 12 बजे कॉल करके कि प्रधान जी आपके यहाँ पर बॉम्ब की हमें पता लगा, तो काइंडली कोर्ट को खाली किया जाए। हमने उसी तरह पुलिस के एक्शन को देखते हुए सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को खाली करवा दिया। अभी वो डॉग्स कोर्ट के लेके अंदर गए हुए, देखते हैं क्या निकलता है। 26 जन का जो चल रहा है रिपब्लिकन पंजाब हरियाणा, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है कि इसको उड़ाने की कोई साजिश हो या फेक कॉल भी हो सकती है? देखो, फेक कॉल का तो नहीं मैं कह सकता, पर जिस हिसाब से पुलिस की सीरियसनेस है, अभी ज़्यादा पुलिस आई हुई है या राउस कोर्ट काफ़ी है, सारा कोर्ट खाली है, सारे जजेस बाहर हैं, सारे वकील बाहर हैं। तो हाँ, मेरी अपील भी है, अगर कोई वकील अंदर है, वकील साथी है, कोई भी और इंसान अंदर है तो कृपया करके बाहर आ जाए, तो अंदर ना रहें। मुक्तसर पुलिस 22 जनवरी जग्गू भगवानपुरिया ट्रांजिट रिमांड दिल्ली तो पंजाब लेके आई सी। कोर्ट ने 24 जनवरी तक उसका रिमांड पुलिस नु सौंपिया सी। पंजाब दे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया नूं 2 दिन दा पुलिस रिमांड खत्म होने तों बाद मंगलवार नूं श्री मुक्तसर साहिब दी कोर्ट विच पेश कीता गया। कोर्ट ने सुनवाई तों बाद उसनूं 6 फरवरी तक जुडिशियल कस्टडी विच भेज दिता है। मुक्तसर पुलिस 22 जनवरी नूं जग्गू भगवानपुरिया नूं ट्रांजिट रिमांड ते दिल्ली तों पंजाब लाई सी। कोर्ट ने 24 जनवरी तक उसनूं रिमांड ते पुलिस नूं सौंप दिता है। श्री मुक्तसर साहिब थाना सिटी विच दर्ज FIR विच जग्गू नूं मुक्तसर लाया गया। साल 2021 विच हरपाल सिंह नां दे व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई सी। उसनूं 3 विदेशी नंबरां तों कॉल कर 30 लाख रुपए की फिरौती मंगी गई सी। पैसे ना दिते जाण ते बेटे नूं मारन की धमकी दी गई सी। धमकी देने वाला खुद नूं लॉरेंस बिश्नोई दस रहा सी। नाल ही यह धमकी यह भी दे रहा है कि 23 मार्च नूं फरीदकोट पेशी ते आ रहा है, इस करके उस तों पहला फिरौती दे दी जाए। इस मामले विच पुलिस ने दमनप्रीत नां दे एक व्यक्ति नूं ट्रेस करके गिरफ्तार किया है।
उसने पुलिस हिरासत विच कबूल किया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उस तो सब काम करवा रहा है। पुलिस ने दिसंबर 2022 विच लॉरेंस नु दिल्ली तो लाके मुक्तसर कोर्ट विच पेश कर 9 दिन दे वक-वक तरीका ते मिले। पुलिस रिमांड दे दौरान पूछगिछ की गई, उसने कबूल किया। इस केस विच गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया भी उसके नाल सी। श्री मुक्तसर साहब की मानयोग अदालत दे बाहर हां अज जग्गू भगवानपुरिये दा दो दिन का रिमांड खत्म होने उपरंत श्री मुक्तसर पुलिस वालों अज फिर तो जिहड़ा हैगा मानयोग अदालत विच जग्गू भगवानपुरिये नूं अज कोर्ट दे विच पेश किया गया। दस दिए कि यह श्री मुक्तसर साहब विखे 30 लाख की एक व्यक्ति तों फरौती मंगी गई सी, जिस दे विच 3 वख-वख नंबरों तों कॉल आईआं सन कि जेकर तूं 30 लाख की फरौती ना दित्ती तां तेरे बेटे नूं मार दित्ता। तस्वीरां तुहानूं श्री मुक्तसर साहब की अदालत दीआं विखा रहे हां। तो एक बार फिर दोहराना चाहांगे कि 30 लाख की फरौती जिहड़ी गैंगस्टर वालों श्री मुक्तसर साहब के एक व्यक्ति तों मंगी गई सी, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਗ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ 67 ਨੰਬਰ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਸਿੱਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ। SSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। SSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਾਅਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲਕ ਪੋਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ SSP ਐਲਨ ਚਿਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ GOs ਹੈ, SPOs ਹੈ, ਫੋਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲੇਗੇ। ਕੁਝ ਲਾਂਡ ਆਰਡਰ ਕੇ ਇਸ਼ੂਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬੋਇਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ
उसनू भी सही ढंग दे नाल लागू नहीं किया जा रहा। कानून मुताबिक बनदियां सजावां पूरियां कर चुके बंदियां दियां रिहाइयां नहीं कीतियां जा रही। बेअदबी ने दोषियां अतल बैबल कला गोलीकांड दे दोषियां जल्द सजावां देन अते गोलीकांड दे हुक्म देन वाले प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल नूं कुंवर विजय प्रताप सिंह दी रिपोर्ट मुताबिक सरकार वल्लों गिरफ्तार करन दे लई टिलमट कीती जा रही है। भगवंत मान अते केजरीवाल वल्लों 24 घंटिआं विच इंसाफ देन दा दावा झूठा निकलिया। यूनाइटेड अकाली दल वालों पंजाब के लोगों 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के प्रोग्रामा के बॉयकॉट सद्दा दिता। इसका प्रगटावा गुरदीप सिंह बठिंडा चेयरमैन यूनाइटेड अकाली दल ने किया। उन्होंने कहा कि सिखां ने संविधान उत्ते दस्तखत भी नहीं किए सन अते जो संविधान भारत में लागू किया गया उसनू भी सही ढंग नाल लागू नहीं किया जा रहा। कानून मुताबिक बन गईआं सजावां पूरियां कर चुके बंदियां दीआं रिहाइयां नहीं कीतियां जा रहीआं। बेअदबी दे दोषियां अते बहबल कला कांड दे दोषियां जल्द सजावां देन अते गोलीकांड दे हुकम देन वाले प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल नूं कुंवर विजय प्रताप सिंह दी रिपोर्ट मुताबिक सरकार वल्लों गिरफ्तार करन विच ढिल मठ कीती जा रही है। भगवंत मान अते केजरीवाल वल्लों 24 घंटिआं विच इंसाफ देन दे वादे झूठे निकले। दविंदर पाल सिंह भुल्लर दी फाइल केजरीवाल सरकार कोल पई है। ਉਹ 4 साल तो उत्ते समय तो लटक रहे हैं। मान सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब विच बेअदबी के दोषी तो चलान पेश करन समय UAPA अते धारा 153 जोड़ दिती। इसी पंजाब के लोगों को अपील करते हैं कि 26 जनवरी के समागमों का बॉयकॉट करके चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा में 26 जनवरी को किए जा रहे रोश मार्च में वड्डी गिनती में शमूलियत करन ताजो मोदी अते मान सरकार नू इंसाफ देने लई मजबूर किया जा सके। यूनाइटेड अकाली दल वालों इंसाफ मोर्चे विच पंजाब के सारे भाईचारक हिंदुओं भाईचारा दलित भाईचारा समेत सारे किसानों मजदूरों दुकानदारों व्यापारियों मुलाजमान साबका फौजियों रिटायर्ड मुलाजम समेत समुचे पंजाबियों जथेबंदी वालों दल खालसा वालों 25 जनवरी के रोश मार्च में शामिल होने का फैसला किया है। 26 जनवरी को श्रोमणी अकाली दल यूनाइटेड के रोश प्रोग्रामा की दिखलाई हिमायत की। चंडीगढ़ इंसाफ मोर्चे की लामबंदी लई यूनाइटेड अकाली दल वालों आरंभे केसरी मार्चा की लड़ी जारी रखी जाएगी तो 4 फरवरी को धूरी मुख्यमंत्री के हल्के में मार्च किया जाएगा। अज बड़ा रुझेवे वाला दिन से तुम समा कढ़िया दो तीन बेनतियां तुहाडे कोल कर के तुहाडे राही पंजाब दे लोकां च पहुंचाउण लई तुहानूं खेचल दित्ती गई। पहली बेनती कि यूनाइटेड अकाली दल वालों 26 जनवरी के जो समागम पंजाब सरकार वालों किए जा रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ UAP 153 ਏ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਹਿਜ਼ਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ DG ਸੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ DSP ਜਾਣਗੇ, ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ,
इतने कुछ घराने का कुछ व्यक्तियों का भी इच्छा मुताबक चला इलाज किया जा रहा है। इसलिए जमहूरीयत की बहाली लई इंसाफ लई पंजाब के लोग समुचे तौर पर पूर्ण तौर पर 26 जनवरी के प्रोग्राम का ऐलान कर। दूजी बेनती जी थोड़े राही असी पंजाब के लोगों को करनी चाहते हैं वो ये है कि चंडीगढ़ के कौमी इंसाफ मोर्चा रिहाइया के संबंध में बेअदबी के दोषियों को सजावान देने लई गोलीकांड जो प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल दीयां हदायतों के उत्ते हुक्मां दे उत्ते कीता गया उन्हां दी गिरफ्तारी लई ते स्पैशल कोर्टां बनाउण लई सारयां लई असी उत्ते इंसाफ मोर्चा लग्गिया है। उस मोर्चे च 26 जनवरी नूं इक बहुत वड्डा रोस मार्च कीता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों साल 2024 लोक सभा चोणां नूं लैके हुणे तों ही तैयारियां आरंभ कर दित्तियां गईयां हन अते इस दे चलदे उन्हां वालों लगातार वर्करां नाल बैठकां दा दौर जारी है। पंजाब दे 3 लोक सभा हलकियां दे इंचार्ज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वालों अज बठिंडा पहुंच के सूबे दे अहुदेदारां अते भाजपा वर्करां नाल बैठक कीती गई। मीडिया नाल गल्लबात करदे हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पंजाब दे लोकां ने भगवंत मान नूं रजवा प्यार दित्ता अते वड्डे बहुमत दे नाल विधानसभा पहुंचाया पर भगवंत मान वालों कीते गए वादे पूरे नहीं किए गए जिस कारण हुण लोकां विचों वड्डा रोष पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वालों 2024 लोक सभा चोणां नूं लैके हुणे तों तैयारियां आरंभ कर दित्तियां गईयां हन अते इस दे चलदे उन्हां वालों लगातार वर्करां नाल बैठकां दा दौर जारी है। पंजाब दे 3 लोक सभा हलकियां दे इंचार्ज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वालों अज बठिंडा पहुंच के सूबे दे अहुदेदारां अते भाजपा वर्करां नाल बैठक कीती गई। मीडिया नाल गल्लबात करदे हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पंजाब दे लोकां ने भगवंत मान नूं रजवा प्यार दिता अते वड्डे बहुमत नाल विधानसभा पहुंचाया पर भगवंत मान वालों कीते गए वादे पूरे नहीं कीते गए जिस कारण हुण लोकां विचों वड्डा रोह पैदा हो गया है। उन्हां ने कहा कि भाजपा वालों 2024 दीआं विधानसभा चोणां नूं लैके हुणे तों तैयारियां आरंभ हो गई है। उसदे मद्देनज़र उन्हां वालों हर शहर दे हर पिंड तक पहुंच कीती जा रही है अते इसी लड़ी तहत लगातार बैठकां दा दौर जारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ही पंजाब दा भला कर सकती है, केंद्र सरकार वालों ही अजिहियां योजनावां लाइया जा रही हैं जिसका पंजाब तरक्की दी राह ते जा सकता है। किसान जत्थेबंदियां नाल संबंधां नूं लेके बोलदे हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट दीआं कई मंगां मन लईआं गईआं हन अते बाकियां ते विचार चर्चा कीती जा रही है। मनप्रीत बादल दी गैर हाजिरी संबंधी बोलदे उन्होंने कहा कि हौली हौली पार्टी नूं जानन लगनगे। पंजाब सिर चढ़े कर्जे संबंधी बोलदे उन्होंने कहा कि पिछलियां सरकारां दीआं गलत आर्थिक नीतियां कारण अज पंजाब दे हालात पैदा हो गए हन कि सरकार नूं अपणियां तनखावां अते पेंशनां देणियां मुश्किल हो रहियां हन। पंजाब दे अमन ते कानून दी स्थिति ते बोलदे उन्होंने कहा कि पंजाब दे हालात लगातार विगड़दे जा रहे हन पर पंजाब सरकार इस वल कोई ध्यान नहीं दे रही। SYL दे मुद्दे ते बोलदे उन्होंने कहा कि दोवें सूबिआं नाल कीती बैठकां तों बाद उन्हां वल्लों दोवें सूबिआं दी असहमति दी रिपोर्ट बणा के भेजी गई है। भारतीय जनता पार्टी जिला बठिंडा द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सूबे के प्रधान आदरणीय श्री अश्विनी शर्मा जी, सूबे के जनरल सेक्रेटर सरदार कांगड़ साहब, सरदार विक्रमजीत सिंह जी, बीबी मोना जायसवाल जी, पार्टी के सारे सीनियर लीडर साहिबान और पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सबने विलंब हो जाने के बाद में भी इस प्रेस वार्ता में इंतजार करके इस बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल से कुछ थोड़ा समय अधिक ऐसा शेष रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर देश में 2014 से 2019 में जिस तरह से 2014 की अपेक्षा में ज्यादा अधिक मत और ज्यादा अधिक सीटें जीत करके एक नया इतिहास रचा था, इसी परंपरा को कायम रखते हुए और आगे 2024 के चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ में सरकार बनाए, इस लक्ष्य को लेकर के, इस चुनौती को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में काम करना प्रारंभ किया है। उसी श्रृंखला में पंजाब के इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में
मुझे इनको देखने की जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश ने इस परिपेक्ष में अपनी तरफ से काम करना प्रारंभ किया है। सांगठनिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए, संगठन की क्षमता ताकत को बढ़ाते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहां बड़ी संख्या में सीटों पर विजयी श्री प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया, सूबे नू देश भर में निवेश लई सब तो पसंदीदा स्थान वजो दसिया। पंजाब दे मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया, सूबे नू देश भर में निवेश लई सब तो पसंदीदा स्थान वजो दर्शाया। मुख्यमंत्री ने अज इत्थे बीएमई विखे घंटी बजाउण दी रस्म अदा करन मगरों पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं पंजाब नू कारोबार लई अथाह मौकियां दी धरती वजो दर्शाया अते कंपनियां नू सूबे विच निवेश करन दा सद्दा दित्ता। उन्होंने कहा कि देश दे उद्योगपति पूरे वजो तेजी दे नाल उभर रहे पंजाब विच निवेश करन नाल उद्यमियों नू वधेरा लाभ होवेगा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब विच संपूर्ण भाईचारक सान शांति अते सद्भावना है जो सूबे दे सर्वपक्षी विकास अते खुशहाली लई मुख तौर ते जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों नू अपने कारोबार नू फैलाउण लई वधिया बुनियादी ढांचे, डूंगवी बिजली सप्लाई, हुनरमंद मनुखी वसीलियां अते बेहतरीन उद्योगिक ते कामकाजी सभ्याचारक नाल भरपूर अनुकूल माहौल दा वध तों वध लाहा लैण दी अपील कीती है। उन्होंने कहा कि पंजाब विच उह स्वागत करदे जिहड़े लोग पंजाब दे विच आना चाहते हैं। इस दे नाल ही उद्योगपति विकास नूं वी हुलारा देण दे लई नए विचारां ते नवीं खोजां लई हमेशा तैयार रहिंदा है। भगवंत मान ने कहा कि उदों दूर नहीं जदों पंजाब देश दा उद्योगिक धूरा बन के उभरेगा। अगले महीने SAS नगर विखे होण वाले पंजाब निवेश सम्मेलन विच शामिल होण लई इंडस्ट्रियलिस्ट नूं सद्दा दित्या। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23-24 फरवरी नूं होण वाले इह सम्मेलन मील दा पत्थर साबित होएगा जिहड़ा सूबे दे विकास नूं वड्डा हुलारा देवेगा। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार ने इस वंड अकारी समागम दे प्रबंधां नूं पहला ही अंतिम रूप दे दिता है। भगवंत मान ने कहा कि सूबे विच इंडस्ट्री नूं हुलारा देण दा मुख महत्व नौजवानां लई रोजगार ते नवे राह खोल के पढ़ी लिखी जवानी दे विदेशां विच जाण दे रुझान नूं रोकना है। हम चाहते हैं कि लेबर को फैक्ट्री के पास ना आना पड़े, फैक्ट्री लेबर के पास चली जाए तो वो अपने घर पे रहेंगे, अदरवाइज उनको फ्लैट खरीदने पड़ेंगे, बच्चे स्कूलों में दाखला दिलवाना पड़ेगा, उनकी सेविंग सारी इसी चक्कर में चली। हम चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। बहुत सी इंडस्ट्री जो है रूरल बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मुझे उम्मीद है 23-24 फरवरी को मुंबई से बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगा और MOU। सर आप पंजाब से जब निकले थे, जब आप पंजाब से निकले थे कितना आपका टारगेट था? हालांकि सर सामने देखिए कितना आपका टारगेट, टारगेट तो फिर अनलिमिटेड है, टारगेट की कोई गई नहीं है कि मैं 30,000 करोड़ या मैं 50,000, जितने भी आ जाएंगे। हमारा एक ही मकसद है, हम उनको माहौल देंगे। जैसे CLU है, आपने ज़मीन खरीद ली लेकिन ज़मीन पंजाब की 96% ज़मीन हमारी एग्रीकल्चर की है, तो आपको CLU देना पड़ेगा कि आपने इस पर एग्रीकल्चर नहीं, इस पर फैक्ट्री लगानी। वो CLU बड़ी दिक्कत है, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं, फिर रिश्वत चलती है, दुआ हो जाती है, और फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, फिर एनवायरनमेंट का, आपको बहुत से NOC लेनी पड़ती है। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो देश में अभी तक किसी स्टेट ने नहीं किया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है हमारा। हम स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग कर रहे हैं। अगर आपने 40 एकड़ ज़मीन खरीदी, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर खरीदा, इसका मतलब है आप उस पर इंडस्ट्री बनाओगे और उसमें लिखोगे कि इंडस्ट्री है, उसमें CLU के पैसे भी हम चार्ज कर देंगे, बाकी सभी NOC के पैसे भी चार्ज कर लेंगे। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी, तहसीलदार ने साइन कर दिया, यू आर गुड टू गो, अगले दिन आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर है। हाउसिंग के लिए हम कोई और कलर दे देंगे, रेड कलर दे देंगे, इसका मतलब उस आदमी ने हाउसिंग के लिए वो ज़मीन खरीदी है, उसका मिसयूज ना हो। एग्रीकल्चर के लिए और कोडिंग दे देंगे, तो ये कलर कोडिंग वाला यूनिक आइडिया है। इससे हमें भी पता चलता जाएगा कि किसके पास कौन सी हिस्ट्री है। ये नहीं होगा कि हाउसिंग के लिए खरीदी और इंडस्ट्री बना ली,
क्योंकि उसके पास जो स्टैम्प पेपर है वो किसी और कलर का है, इंडस्ट्री वाला किसी और कलर का। सर ये करप्शन मिले कोई फर्म कमिटमेंट्स किसी ने कुछ बताए हैं क्या ड्यूरिंग योर टाटा स्टील इज कमिंग इन लुधियाना आफ्टर जमशेदपुर बिगेस्ट प्लांट इन इंडिया टाटा स्टील। हुण तक दे लई नहीं तुसी बने रहो पंजाब टुडे दे नाल। सत श्री अकाल।